अरे योगी जी को तो दुनिया जानती है सर, वो तो अगेंस्ट ही रहते हैं मुसलमानों के। मुसलमानों के अगेंस्ट? जी वो तो अगेंस्ट ही मानते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट। कई बार मैंने स्टेटमेंट देखे हैं मोबाइल पे, मीडिया में आते रहते हैं, एक बार आपकी अदालत में भी आए थे। नहीं मुझे चला देते हैं। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। बुलडोजर क्या आप क्या नाम है इसका टैंक लिया हो तो आप सब कुछ ले लीजिए। मैं योगी जी हिंदुस्तान की हर मस्जिद पे आप अपना मंदिर बनाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो तो नहीं, वो कहाँ कह रहे हैं कि हर मस्जिद पे आप, मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं कह रहे, उन्होंने कहा भी है कई जगह पे, मगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सजदा करने के लिए मेरे वतन की कोई भी जरा सी जगह दे दो जहाँ मैं जामा नमाज पढ़ बिछा के नमाज पढ़ सकूँ। वो जैसा कर रहे हैं उनके पास अभी उनके हाथ में मुट्ठी में पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर वो ये बात बहुत ही जहन में अपने आराम से और विश्राम से और बहुत ही प्रतिकूल होके बैठा लें कि मुसलमान अल्लाह के सिवा कभी न किसी से डरा है, न डरा था और न डरेगा। हो गया आपका? जी मेरा नाम हफीजुर रहमान है। अच्छा बताइए क्या चाहते हैं 2024 में, कौन आना चाहिए, किसकी उम्मीद नजर आ रही है? देखिए यहाँ के लिए तो बेस्ट केजरीवाल ही है, हम उसी को इसकी बात करें 2024 का चुनाव जो देश में होगा इसके लिए। अब देखिए जनता किसको चुनती है तो जनता ही फैसला करेगी। आप क्या लगता है आप जनता में नहीं आते क्या? नहीं नहीं मैं जनता में आता हूँ, मगर मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आए वो देश के हित में सोचे, वो चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या केजरीवाल की आप पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, बस ये है कि देश 8 साल जो चल रहे हैं मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं, तो क्या उन्होंने देश के बारे में सोचा है या नहीं? नहीं देखिए मोदी जी ने भी डेवलपमेंट कराया है, ऐसी बात नहीं है, मगर जिस तरीके से वो देश को करना चाहते हैं देश के लिए, तो कुछ लोग जो उनके साथ हैं वो करने नहीं दे रहे हैं उन्हें। मोदी जी इज़ अ बेस्ट वन, वो देश के लिए बहुत अच्छे हैं, और मगर ये है कि जो वो करना चाहते हैं, अब जैसे कि बेरोज़गार ग्रेजुएशन किए हुए लोग बाग हैं वो बेचारे परेशान हैं, नौकरियों की मेन जो दरख्वास्त है वो मोदी जी से यही है कि जो बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है उनको नौकरियाँ दें, ताकि ये जो तंगी वाले हालात जो अभी भी बरकरार हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छा ये बताइए एक सवाल ये उठता है कि टारगेट करते हैं आप लोगों को, ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी की सरकार में ये बीजेपी की सरकार में जहाँ बीजेपी सरकार में वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं भाईजान ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को टारगेट नहीं करता, ये पॉलिटिक्स है, उसमें हर तरीके की बातें होती हैं। हमने कभी मोदी जी को इस नज़र से नहीं देखा कि वो हमें टारगेट करते हैं या वो हमें टॉर्चर करना चाहते हैं या वो हमें देश से भगाना चाहते हैं, क्योंकि हमने उनके बहुत सारे रूप देखे हैं, बहुत सारे उनके पहलू देखे हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए भी बहुत कुछ किया है। मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि यहाँ जो देश में पहले जो हमारी सभ्यता थी, हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक साथ त्यौहार मनाया करते थे, वो कल्चर अगर दोबारा से मोदी जी लौटा देते हैं तो मैं यही विश करूँगा कि 2024 में मोदी जी को मोस्ट वेलकम करूँगा और पूरी हमारी मुसलमानी कौम इंशाल्लाह एक पक्ष की तरफ से हो रहा है कि दूसरा पक्ष भी कहीं ऐसा नजर आ रहा है। मैंने अभी आपको बोला ये पॉलिटिक्स है, इसमें दूसरे पक्ष जाहिर सी बात है हमेशा एक दूसरे की बुराई करते हैं, वो चाहे राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी हों या अखिलेश यादव हों या कोई भी XYZ कोई भी हो, वो यही चाहेगा कि भाई हम राज करें। अब जैसे मायावती जी एक वक्त था कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर रही थी, प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवार हो रही थी वो, मगर नहीं हो पाई क्योंकि हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती है। अच्छा ये बताइए ओवैसी साहब जो लगातार बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, वो खुली जेल में रह रहे हैं। ये देखिए मैं ओवैसी साहब के साथ नहीं हूँ, स्पष्ट रूप से कहता हूँ, वो अल्लाह की इबादत करते हैं और किस तरीके से करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी अल्लाह की इबादत करता हूँ, मैं अपने देश के लिए दुआ करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। मुझे ओवैसी जी के पगडंडियों पर चलने का ना शौक़ है ना आदत है और ना कभी मैंने ऐसा चाहते हैं कि आप जैसे लोग उनके कदमों पर। आप ये बताइए ओवैसी नहीं आप ये वाली बात कह रहे हैं तो मुझे ये बताइए ओवैसी जी के यहाँ पर कितने खेमे हैं और कितने सपोर्टर हैं और कितने अभी तक अग्रसर रहे हैं या किसी ने मतलब बहुत कुछ कर दिया हो ओवैसी की पार्टी ने, किसी ने कुछ नहीं करा। यहाँ जो भी चल रहा है वो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री हमारे जो केजरीवाल जी हैं और उनके समर्थन में हम हमेशा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। केजरीवाल जी की उम्मीद है कि 2024? देखिए मैं तो विश कर रहा हूँ केजरीवाल जी, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान है, वो बहुत अच्छी तरीके से डीपली सोचते हैं इस बात को कि देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं तो ओवैसी साहब भी रहे हैं। देखिए सोचना और करने वाली बात अलग है, केजरीवाल जी का काम देखा गया है, जैसे राहुल गांधी जी भी रहे हैं, हॉस्पिटल्स देखे गए हैं, लेडीज के लिए बसें फ्री कराई गई, कुछ हद तक बिजलियां। आपके लिए तो नहीं हुई बस फ्री, क्या लगता है महिलाओं को हो गई, खुश हैं आप? तो उसमें मुस्लिम महिला भी हैं, हिंदू महिला भी हैं, महिला तो महिला हैं सर, वो सब हमारी बहन बेटी हैं, उनके लिए उन्होंने एक बात है। अब एक चर्चा शुरू होगी जनसंख्या की बात, तो आपको क्या लगता है जनसंख्या कानून आ जाना चाहिए? सर इस मामले में मैं कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि इस वजह मुझे जानकारी ज़्यादा है नहीं।
क्या आपको क्या लगता है ऐसे कानून, जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए कानून आए? कंट्रोल में रखना चाहिए, मगर इतना हार्डली कानून नहीं आना चाहिए कि जिसके पास 10-12 बच्चे हैं उसे कि भाई तू जेल में जा के तू देश से बाहर निकल जाए, ऐसा कहाँ, ऐसा तो कहीं कानून में नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। हाँ ना हो, हाँ ये है कि रिक्वेस्ट की जा सकती है कि भाई कम बच्चे करो, देश की उन्नति और प्रगति के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है वो। तो मैं यही सबसे अपने देशवासियों से, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई बहनों से यही कहूँगा कि देश के लिए सोचें, देश के हित में सोचें, देश को प्रोत्साहन दें और मोदी जी को भी प्रोत्साहन दें। अगर वो अच्छा कार्य करते हैं आपकी नज़र में तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ गलत करा हो, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर जो उनके साथ हैं, मैं उन जो भी आदरणीय लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि उन्हें भटकाएं ना, वो जो टारगेट लेके चल रहे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो मेमोरेबल पर्सन थे, उन जैसा मेरे ख्याल से शायद नेता कोई बीजेपी में आएगा भी नहीं। योगी जी? अरे योगी जी को तो दुनिया जानती है सर। वो तो अगेंस्ट ही रहते हैं मुसलमानों के। मुसलमानों के अगेंस्ट? जी वो तो अगेंस्ट ही मानते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट। कई बार मैंने स्टेटमेंट देखे हैं मोबाइल पे, मीडिया में आते रहते हैं, एक बार आपकी अदालत में भी आए थे। तो आप सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस मोहब्बत चाहते हैं, हमें इंसानियत चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत अमन। कहा जाता है कि यूपी में जैसे मुसलमान डरा हुआ, क्या आप भी मानते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है योगी जी के राज? अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता कोई भी मुसलमान। ये बात कोई भी अगर मुसलमानों के खिलाफ सोचता है तो मैं आज ये इंडिया गेट के सामने खड़े हो गए वाली बात कह रहा हूँ कि कोई भी मुसलमान किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी धार्मिक अगर जो अगेंस्ट है नहीं डरता है सिवा अल्लाह के, अल्लाह की इबादत के कानून से। देश का कानून, अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, देश का कानून हमारे खिलाफ जो फैसला देगा वो जो बिल्कुल सही। योगी जी से क्या नाराजगी है आप? नाराजगी नहीं है उनसे, ये कहते हैं शुद्ध सोच है, अच्छा सोच है कि अगेंस्ट रहते हैं योगी जी मुसलमानों के, कहीं ऐसा ना यूपी में कह रहे हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। नहीं, विकास की बात अलग होती है, कभी कभी वो ऐसे बोल जाते हैं कि भाई मुसलमान ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सब कुछ ले लीजिए, मैं योगी जी हिंदुस्तान की हर मस्जिद पे आप अपना मंदिर बनाइए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो तो नहीं, वो कहाँ कह रहे हैं कि हर मस्जिद पे आप, मैं तो मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं कह रहे, उन्होंने कहा भी है कई जगह पे, मगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सजदा करने के लिए मेरे वतन की कोई भी जरा सी सी जगह दे दो जहाँ मैं जामा नमाज पढ़ बिछा के नमाज पढ़ सकूँ, बस मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मस्जिद, मुझे नहीं चाहिए मंदिर, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अमन चाहिए, मुझे अपने देश में वो प्रेम चाहिए जो हिंदू मुसलमान में पहले भी था, जो आज भी होना चाहिए, वो जो आपके राज्य में नहीं है। वो आपको अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं आप मेरे और बड़े CM भी हैं आप देश के। तो बस यही है कि ऐसा करिए कि प्यार मोहब्बत से रहें, ये नहीं कि एक विशेष टुकड़ी को आपने पसंद कर लिया, कि सिया समुदाय को आपने पसंद कर लिया कि चलो भाई इन्हें अपना कर देते हैं। तो हर मजहब में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके अंदर कास्ट होती है। आपकी नाराजगी कहीं ना कहीं योगी जी से है? योगी जी से है, बस यही है कि भाई ये ना इत्तफाकियां ना रखें। बुलडोजर से डर है क्या? मतलब नहीं, बुलडोजर चला देते हैं। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, बुलडोजर क्या आप क्या नाम है इसका टैंक लिया हो तो। योगी जी से क्यों डर रहे हैं जब अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डर? डरेंगे योगी जी से? तो आप कह रहे हैं कि अगेंस्ट रहते हैं मुसलमान, ये तो आप कह रहे हैं कि योगी जी से डर रहे हैं। योगी, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ योगी जी से क्यों डरेंगे हम, उन्होंने हमारा माल मारा है, हमने उनका माल मारा है, जो हम योगी जी से डरेंगे हम अल्लाह के। स्टार्टिंग है कि योगी जी से नाराजगी है, थोड़ा नाराजगी और डर ये दो अलग अलग बातें होती हैं, आप इसको एक साथ मत मिलाइए, ठीक है ना। तो योगी जी से ना हमें डर है, ना हमें बुलडोजर से डर है, ठीक है। अगर हम गलत, बुलडोजर सही चल रहा है, अल्लाह से डर है, बुलडोजर सही चल रहा है, मतलब जहाँ भी चल रहा है वो जैसा कर रहे हैं, उनके पास अभी उनके हाथ में मुट्ठी में पावर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर वो ये बात बहुत ही जहन में अपने आराम से और विश्राम से और बहुत ही प्रतिकूल होके बैठा लें कि मुसलमान अल्लाह के सिवा कभी ना किसी से डरा है, ना डरा था और ना डरेगा, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात है, ये एक कि अल्लाह के नाम पे कुछ लोग गर्दने भी काट रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ हूँ, उनके उन्हें तो जैसे वो गर्दने काट रहे हैं ना, वो तो गर्दने चोरी छुपे काट रहे हैं, ठीक है, किसी की दुकान में घुस के, किसी के मकान में घुस के। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी सरकार से कि ऐसे मुसलमानों को भरे बाजार में इंडिया गेट पे यहीं लाके जिंदा क्रेन के अंदर फांसी दी जाए, जैसे सऊदी अरब में दी जाती है। उनके सख्त खिलाफ हूँ मैं, वो मुसलमान है ही नहीं, दाढ़ी रखने से मुसलमान नहीं होता इंसान, मेरे दाढ़ी है क्या, मगर आप मेरे अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल सकते, मेरे नबी के खिलाफ नहीं बोल सकते, उस पर मैं आपसे लड़ जाऊँगा। मगर किसी के अब गाय है, हिंदुओं को हिंदुओं की पूजनीय जानवर है, हमारे लिए जानवर है, उनके लिए माता है, हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ़ है जो मुसलमान अगर गायों को काटते हैं। जो भी मेरे भाई इस बात को सुन रहे हैं,
तो ये समझ लो जैसे उनके लिए सुअर हराम है, तो ये गाय भी उनके लिए उसी तरीके से हराम है। अगर क्योंकि ये हमारे देश के अंदर बंद है, इस गाय को नहीं काट सकते हम। किसी की इबादत से जुड़ी हुई है, किसी की आस्था से जुड़ी हुई है, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपका कहना है कि सब मिल बांट कर रहें, बिल्कुल प्यार से रहिए जैसे पहले रहता था देश। ये तो साले अंग्रेज अच्छे हमारे देश में आए, ऐसा बांट के गए कि आज तक बटी हुए हम, कभी हम एक हुए ही नहीं। क्या नाम होंगे सर आप? अकरम खान। अकरम खान जी, बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है 2024 का माहौल क्या है, क्या नजर आ रहा है? नजारा तो वही है जो पहले था। क्या है? सेम टू सेम। क्या कौन आना चाहिए 2024? वही आना चाहिए जो है अभी, मोदी जी आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि उनका काम अच्छा है। क्या काम अच्छा लगा? अच्छा तो बहुत सारे काम अच्छा है, कोई एक काम बताइए। काम तो अच्छा मान लीजिए जैसे कि बहुत सारा काम अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं अच्छा नहीं, अच्छा काम है। अच्छा एक सवाल आपसे भी पूछूंगा कि जो एक ओवैसी साहब की तरफ से जो कहा जा रहा है कि डर का माहौल है, मुसलमान डरा हुआ है, आप क्या कहते हैं? ना कोई डरा हुआ नहीं, जैसे सब था पहले रह रहे थे वैसे अभी भी रह रहे हैं। कैद इज्जत नहीं है हमारी, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने मतलब वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए ओवैसी साहब कर रहे हैं? बिल्कुल। उनकी बात से सहमत है क्या? ना कोई समर्थन करते हैं क्या उनकी बात का? ऐसा कुछ नहीं। तो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो सब अपना अपना मतलब राजनीति कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, ओवैसी अपने फायदे के लिए, सब अपना अपना वोट बैंक को मतलब टटोल मटोल रहे, क्योंकि 24 तो नजदीक है ना। हाँ। ये चक्कर में 24 नजदीक है, उसके चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मोदी जी वापसी आए। ये ऊपरी मन से कह रहे हैं कि अंदर की बात है? ना अंदर की बात, वो तो आएगा ही आएगा। हाँ। वो तो सबको मालूम चल जाएगा, आएगा, आएंगे वो बिल्कुल। अच्छा उनके बाद योगी जी तो बहुत टाइम है, अभी तो टाइम लगता है, योगी जी भी आने चाहिए क्या? ना अभी तो टाइम है उसमें। अच्छा मान लो जब उनका समय आए, समर्थन करेंगे योगी जी का? समय आएगा, समय के अनुसार ना बोला जाएगा। हाँ। समय के अनुसार बोला जाएगा। अच्छा, समय के साथ बोला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हो गया भैया आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आकिल है। मोहम्मद आकिल नाम है। मोहम्मद आकिल, बताइए क्या चाहते हैं 2024 में, क्या होना चाहिए, कौन आना चाहिए? जी वैसे बेहतर तो अभी फिलहाल में मोदी जी बहुत बढ़िया काम, बेहतर मोदी जी हैं। जी जी, क्या बेहतरी का काम किया उन्होंने? ये काम किया है कि अभी तक हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके चला रहे हैं वो, और देश में अच्छी तरक्की हो रही है, हर चीज़ की तरक्की है। बस थोड़ी बस क्या है कि महंगाई थोड़ी ज़्यादा हो रही है, महंगाई के लेकर उसको सोचना चाहिए कि गरीब लोग कैसे खाएंगे, महंगाई की के लिए सोचना चाहिए। जी जी, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। जी वैसे बहुत सब कुछ बढ़िया है, विकास को उसमें बहुत अच्छा जा रहा है, हर जगह कर रहे हैं, हर जगह जिले में क्या, और मतलब हर राज्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। वैसे बहुत अच्छा काम हो, महंगाई अगर थोड़ी और कंट्रोल हो जाए, महंगाई को बेरोजगारी को हटा दें तो बाकी बढ़िया। जी मोदी जी जी बहुत बढ़िया है, बस ये महंगाई थोड़ी ज्यादा हो रही है। महंगाई कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल अभी तो यही है कि हमारे मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। साहब कह रहे हैं कि डराया जा रहा है आप लोगों को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डराने वाली कोई बात नहीं है फिलहाल में। कह रहे इज्जत नहीं है हम लोगों को, कुत्ते को इज्जत मिल रही, हम लोगों को इज्जत नहीं मिल रही? नहीं वो ऐसे अपनी अपनी सोच है बंदे की, फिलहाल तो बेहतर ये है कि मोदी जी सबके लिए जैसा उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेकर साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, जो बात है। अच्छा, योगी जी बताइए फिर, योगी जी अगर आ जाए तो? योगी जी तो बस वैसे यूपी में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर यह है कि योगी जी क्या नाम है यूपी में रहे तो बहुत अच्छा है। योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगा? तो बेहतर हो जाएगा। हाँ। कह रहे हैं मुसलमानों को डराएंगे फिर, बुलडोजर चला देंगे हर जगह? नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, बुलडोजर नहीं चल सकता। हाँ। क्योंकि देश का पूरा संविधान साथ में है, ऐसा कैसे हो जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी यूपी के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन के लोगों को सबको ख़त्म कर दिया, बस वो कहते हैं कि समाज में अच्छा चलो, अच्छा रहो, कोई बात नहीं।